नमस्कार मित्रों, मैं जोशी दिलीप सभी किसान मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे बनासकांठा का जो पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सबसे लास्ट यानी कि आखिरी क्षेत्र जो सुई गाम जो पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से शुरू हो जाती है, और मित्रों यहाँ पर बन्नी नस्ल किस प्रकार यहाँ पर रहती है, जैसे कि ये अपन माने तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर बन्नी किस प्रकार यहाँ पर रहती है, क्या उन्हें यहाँ पर सुविधा मिलती है और उनका दूध कैसा होता है पूरा, ये हमारे पास मेरे परम मित्र अनिल भाई चौधरी जो प्रॉपर ये रड़का गांव के ही है, और हमने पहले उनकी वीडियो ली थी, और आज हम इनके जो ये खेत में यहाँ पर जो बन्नी किस प्रकार रख जाती है और उनका दूध क्या होता है और ये बन्नी कितनी कीमत होती है पूरा अपन विस्तार से जानते हैं, क्योंकि ये बन्नी मित्रों ऐसी नस्ल है उनका दूध सबसे अधिक होता है, और उसका जो रखने की जो पूरी सिस्टम होती है रफ एंड टफ ये पूरे जंगल में ही रहती है। तो मित्रों ये हमारे पशुपालन मित्रों को ये बन्नी दूध में एवं कोई भी पशु ब्रीडिंग करता है, पशु का संवर्धन करता है, पशु को केयर करता है और ये नस्ल सुधार करके अन्य जब ये बेचता है बन्नी नस्ल तो उसे मुनाफा कितना मिलता है वो भी हमें यहाँ ये बन्नी के बारे में थोड़ा जानना अधिक आवश्यक है। तो मित्रों ये बन्नी के बारे में पूरी यहाँ पर विस्तार से अपन जानते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बन्नी। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और यहाँ पर जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे ये बन्नी ज़्यादा यहाँ पर आपको दोपहर के समय विश्राम करती हुई दिखाई देगी। तो शरीर एकदम छोटा, दूध में बम्पर दूध उत्पादन एवं सभी में नंबर वन यहाँ पर जो बन्नी रखने का पूरा आप पूरी सिस्टम देखें। इतनी गर्मी में वहाँ पर बन्नी बाहर खड़ी है, कुछ यहाँ पर साव में खड़ी है, तो पूरा अपन विस्तार से यहाँ पर अनिल भाई से डिटेल लेते हैं। अनिल भाई नमस्कार। नमस्कार सर। तो अनिल भाई थोड़ा हमारे पशुपालक मित्रों को आपके बारे में थोड़ा परिचय बताएं और आपका यहाँ का एड्रेस हमारे पशुपालन भाई को बताएं। अब मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं बनासकांठा के रहने वाला हूँ, सुई गाम तहसील तड़का गाँव। अच्छा, तो अनिल भाई ये सुई गाम में आता है? हाँ सुई गाम में। और पापर कहाँ से शुरू होता है? पापर यहाँ बाद में दूसरा गाँव है, वहाँ से यात्रा से शुरू होता है। अच्छा, तो अनिल भाई जैसे काफ़ी हमारे पशुपालक मित्र ये कहते हैं कि ये पापर क्षेत्र की जो बन्नी नस्ल होती है उनकी दूध कैपेसिटी अच्छी होती है, यानी कि लगातार दूध देने की जो क्षमता होती है उसकी अधिक होती है। यहाँ हमारे यहाँ सभी भैंस दूध लगातार देते हैं। अच्छा, तो ये बन्नी यहाँ पर कैसे उद्भव हुआ, इसका शुरुआत में कब आई थी बन्नी यहाँ पर? सब तो यहाँ हमारे बन्नी विस्तार लगता ही है। अच्छा, लेकिन हम अभी बन्नी से अच्छा औलाद का बनी बुल ले आते हैं। अच्छा, उससे संवर्धन करते हैं। अच्छा अच्छा, और भैंसे बनाते हैं। अच्छा, तो आपने ये बन्नी का कब से शुरू किया ये कामकाज? कल हम 10 साल से। प्रॉपर आप करते थे क्या? हाँ मैं करता हूँ। और आपका मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस खेती है। खेती और पशुपालन। जी, तो आप ज़्यादातर बनी रखते हैं? बनी रह, सब बनी। अच्छा, तो शुरुआत में आपने कितने बनी चलाई थी, कितनी शुरुआत? बनी से एक भी नहीं लाई है। अच्छा, यहाँ पे सब औलाद पैदा की है। अच्छा, यानी कि आप बुल वहाँ से लाते हैं? वहाँ से बुल लाते हैं। तो अनिल भाई हमें आप ये बनी के साथ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो हमारे काफ़ी पशुपालक मित्र ये बन्नी के बारे में उनके उन्हें बहुत ही कम सीमित जानकारी है, क्योंकि ये बन्नी नस्ल ऐसी होती है वो ज़मीन पे ज़्यादा रहती है, ठीक है, और उसका मार्केटिंग नहीं हुई, यानी कि ये जो भारत के जो काफ़ी ऐसे जो क्षेत्र है और काफ़ी ऐसी जो नस्ल है उसका मार्केटिंग होने के कारण काफ़ी पशुपालक भाई ये बन्नी परिचित नहीं है बन्नी से, ठीक है। और अपन माने तो ये बन्नी सबसे महंगी भी बिकती है, ठीक है, जो अच्छे जो जानकार लोग हैं वो तो बन्नी को ही लेंगे, क्योंकि ये बन्नी शरीर एकदम छोटा होता है। तो सर हमें थोड़ा ये बन्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बन्नी नस्ल वास्तव में होती कैसी है, उनके अंदर क्या क्या खास विशेषता है, ये पशुपालक मित्रों को? बन्नी की भैंस शांत आती है। अच्छा, और वो चरने को ज़्यादा, उसको फरने को जंगल में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, उसको बांध दे जो तबेले में तो उसे अच्छा नहीं रहता महसूस। अच्छा अच्छा, सब बाहर जाए चरने को तो दूध भी अच्छा देगी। अच्छा, उसका खुर भी पैर अच्छा रहेगा। अच्छा, सब अच्छा है, शरीर अच्छा रहेगा। अच्छा, उसको 46-50% टेम्परेचर हो तो उसको कोई असर नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और दूध इतना ही देती है जितना देती हो इतना। जी जी, 7-8-9-10 बनी नस्ल अच्छा दूध देती है। अच्छा, और सर काफ़ी हमारे पशुपालक मित्र हैं वो प्रॉपर
जो बंडे का इलाका तो वैसे तो इस टाइप का सूखा ही रेगिस्तान, सूखा ही रेगिस्तान, ठीक है। और काफी जो बंडी खेतों में चरकर आती है और उसी टाइम जो पशुपालक दूध निकलता है और कोई भी पशुपालक भाई उनके फार्म पर ले जाता है और इसी तरह से केयर भी करता है, तभी भी उसका जो रिकॉर्ड है वो तो सेम ही रहता है। उसका मतलब ये है आप जहाँ भी भैंस लोगे वो अच्छी नस्ल के आपको नहीं देंगे। अच्छा, वो अच्छी नस्ल तो घर पे ही रखेंगे। अच्छा, आपको जो कचरा होगा जो दो ने अच्छा नहीं दिया वो सब देते, अच्छी नस्ल के बनी भैंस कोई देता नहीं है। अच्छा, और अच्छी नस्ल शायद कोई लेने वाला हो तो उसकी कीमत अधिक होती है। हाँ, तो 2-3-5 लाख सुधी भैंसे बिकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके पास टोटल कितने भैंसे हैं? मेरे पास तो टोटल भैंसे 60 जैसी है। अच्छा, अभी बा जंगल में घूमने गए हैं। अच्छा, कहाँ पर? सबको चारा खा के आएगी। कहाँ पर गई हुई है? जंगल में। अच्छा, यानी कि प्रॉपर यहाँ पर ना, यहाँ पर जंगल में घूमने। वो कौन बंदा चलाता है? कोई नहीं, खुले हम खुले चलते हैं, शाम को वापस आएंगे। अच्छा, और ये फिलहाल दूध देने वाली है? ये दूध अभी जनी हुई है। अच्छा अच्छा, तो अनिल भाई आपके पास बनी नस्ल तो अच्छी है, तो थोड़ा मेरे ये पुरानी भैंस है। अच्छा, ये 15 बार भी आई हुई है। ये 15 बार भी आई है, अच्छी नस्ल की बनी नस्ल की। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने सब औलाद पैदा की है इनमें से? हाँ, इनमें से। अच्छा, सब औलाद इसकी है? टोटल इसकी है पैसे। ये आपकी सबसे पुरानी है। तो क्या उसकी कैपेसिटी है? उसकी 10 लीटर कैपेसिटी है। अभी तो फिलहाल 15 दिन के बियाने की वार है। अभी बियाने का समय बचा हुआ है, 15 दिन के बाद? 15 दिन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, राहुल 15 बार ये कोई कम नहीं है भाई। देखो ये 15 बार ये बनी नस्ल यहाँ पर बियाई हुई है। ये अभी कोई इसको बेचना हो, इसका कोई ग्राहक आए तो इसको 5 बेहतर कहेंगे तो वो भी मान लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उम्र नहीं बताती बनी की भैंस। हाँ, उम्र नहीं दिखती। देखो भाई, उम्र नहीं दिखती आप थोड़ी, ये राहुल उनके शरीर एकदम ठंडी होती है तो वैसे भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये बन्नी कितने बेहतर की है। देखो, और मैं अडर भी दिखाना चाहूँगा। देखो ये अभी फिलहाल दोपहर का समय है और उसका जो पूठे वाला जो पूरा स्पेस है देख सकते हैं। देखो अभी दूध निकाला, 12 बजे हुए हैं। इस हिसाब से आपको अच्छी तरह से उसका जो पावर देना चाहिए अडर में वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मित्रों मेन खासियत उसका जो पीछे वाला जो पूठा जितना भारी होता उसकी दूध क्षमता अधिक होती है। सर ये आपकी बनी है ना? इस भैंस हमने खरीद के लाई है वागड़ से, चौबारी से। अच्छा, एक ही भैंस लाई है। अच्छा, ये 3 दिन हुए है जाने हुए। 3 दिन के? और क्या क्षमता है इसकी? 60 लीटर। 60 लीटर? हाँ जी जी जी। देखो भाइयों, ये कितने में पड़ गया आपको? ये 85 में लाई थी। 85,000? हाँ, 85 जी जी जी। ये बनी प्योर में है ना? प्योर, पहले बेहतर में लाए थे, अभी 4 बेहतर हुए हैं यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और सर ये सबसे अच्छी मुझे को ये लगती है? हाँ, सबसे अच्छी ये भैंस है। अच्छा, प्योर बनी, इसकी दूध क्षमता है 9 लीटर। नहीं, उम्र लगती है थोड़ी? उम्र तो ये 8 बेहतर भी आई हुई है। 8 बेहतर? हाँ, यहाँ पर आपके घर की है ना? घर की है। अच्छा, भैंस की, बड़ी वाली भैंस की। जी 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 जी। देखो भाई, ये भी इसकी है, इसकी अभी तो बाखड़ है। अच्छा, जब सुवर्ण होगी तब 10 लीटर दूध दे रही है। तो यहाँ पर ये सभी भैंसों को खुले कितने समय रखते हैं? पूरा दिन, रात दिन दोने के लिए ले जाते घर पे, बाद में छोड़ देते। अच्छा, तो कहाँ पर जाती है ये सारी भैंसे? गाँव में, घर पे हमारे जाती है, तबेला है। अच्छा, और ये पूरे दिन? नहीं नहीं, ये वैसे तो ये फिलहाल तो यहाँ पर चल रही है। हाँ, तो कितने समय आप खेत में रखते हैं खुला ऐसे जंगलों में? ये तो पूरा दिन खेत में ही रहती है। अच्छा, तो दूध काटने के लिए घर पे ले जाते हैं, बाद में वापस छोड़ देते हैं यहाँ पे, सब चारा वहाँ यहाँ डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं। हाँ, और ये चरने चरने कहाँ पर जाती है? चरने तो बाहर जंगल है, खेतों में जाते हैं। अच्छा अच्छा जी जी जी। भैया देखो, कुछ आप यहाँ पर भी ये सूखा बूखा ये सब चारा वारा डालते हैं तो खा लेती है। देखो उसकी सभी भैंसों की जो प्योरिटी है बढ़िया है और ये सबसे अच्छी है। मुँह एकदम थोड़ा लंबा है लेकिन उसकी जो पैरिटी बनी में चाहिए प्रॉपर बढ़िया है। देखो सिंग अंदर की ओर मुड़े हुए, देखो 2 बार उसकी जो पूरी जो घुमावदार है 2 बार अंदर की ओर मुड़े हुए हैं और उसकी जो चमड़ी है एकदम पतली। अर्डर की जो स्पेस फिलहाल 12 बजे है और दोपहर का अपन यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दूध निकाला है
टोपी अडर है आपको अच्छी तरह से दिखाई देता है मित्रों, यहाँ पर आप देखें। तो अनिल भाई आप ये बनी 10 साल से रखते हैं? 10 साल, ठीक है। तो आप हमें थोड़ा ये बताइए, जैसे कि कोई भी बन्नी बफेलो बी आती है तो बी आने के बाद कितने समय तक दूध देती है? ये तो आपको 2 महीने छोड़नी पड़ती है, नहीं तो दूसरे बियात में आपको दूध नहीं देगी, वो अच्छा देगी। 10 लीटर देती है तो वो 5-6 देगी। अच्छा, उसे 2 महीना छोड़ नहीं पाओगी। असल अच्छी नस्ल की वो बनेगी, वो तो आपको दूसरी बात बी आने के तक दूध देती है। अच्छा 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 भाई, हमें ये बताइए जैसे कि जो बन्नी कुछ अच्छी भी होती है और कुछ 1-2% बन्नी ऐसी भी होती है वो दूध गाभिन होने के बाद तकलीफ कर लेती है, तो सबसे अच्छी बन्नी कौन से क्षेत्र में मिलती है, जो दूध में भी अच्छी हो, बीटू में भी अच्छी हो? ये तो बन्नी में होड़का में मिलती है, होड़का है वहाँ पे मिलती है अच्छी भैंस। वहाँ पर खावड़ा, होड़का, नखतरा बाजू अच्छी भैंस मिलती है। नखतरा बाजू थोड़ी ये डुबड़ी पतली होती है क्या? अब भैंस वो तो पूरा दिन घूमती है। अच्छा, उसको कोई 4-12 डालता नहीं। अच्छा, आए और दो। अच्छा, तो उसमें दूध क्षमता क्या होती है? दूध तो अच्छी नस्ल की हो, आप उसकी जैसी चाकरी कहोगे वैसी दूध क्षमता होगी। अंदाजे 10 लीटर तक होती है वहाँ पर जंगल, वहाँ पे जंगल पे। अच्छा, और उसकी कीमत क्या होती है? कीमत तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जैसी भैंस। अच्छा, तो सर इतनी कीमत होने के क्या रीज़न है, क्या कारण हो सकते हैं? बनी नस्ल की है भैंस, सब उसका रूप, उसका बच्चिया अच्छी आती है, इसका दूध अच्छा। अच्छा, और कोई आपको दिक्कत नहीं जी? कोई भी दोए खुले में दो ले। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती इसलिए। अच्छा अच्छा, यानी कि उसे कोई अन्य जो सुख सुविधा है वो देने की आवश्यकता नहीं? आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ पर आप देखो, ये आपको लाइव एग्जांपल है। फिलहाल दोपहर का 12 से 1 बजे है और फिलहाल अपन यहाँ पर गर्मी में खड़े हैं, अपन खड़े नहीं रह पाते इतनी गर्मी में। यहाँ पर ये बफेलो यहाँ पर खड़ी है क्योंकि इनका जो जीन है एकदम मजबूत है और ये जंगल में उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उनके हिसाब से ये उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो अधिक होती है। सर ये बीमार होने का चांसेस कितना होता है? ये कोई बीमार तो कोई चांस नहीं होता उसका। अच्छा, जो बीआई हुई है और उस पर बरसात पड़ती है तो 2 दिन बीमार होती है, बीमार का कोई उससे नहीं होता। अच्छा, और क्या समस्या रहती है, और कोई समस्या रहती बनी नस्ल में? कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर हमें बताइए, जैसे कि आप ये खेतों में चरवाते हैं और खेतों में चरवाते थे, आपको ये बन्नी प्रॉफिट भी यानी कि जो आय है, जो मुनाफा है आपका, वो भी ज़्यादा देती होगी? जो आप घर पे भैंस बांधते हैं जी, तो उसको चारा घर का लेके डालना होता है जी, खान भी डालना होता है जी जी, लेकिन आप चराने जाते हो जी तो मुनाफा ज़्यादा होता है, चार का कोई खर्च नहीं होता है। अच्छा, उसको दान डालो उसका खर्च होता है जी जी, और ये अच्छी अच्छी बच्चियाँ देती है, बच्चियाँ 2.5-3 लाख की बच्ची हो जाती है। अच्छा, तो आपको ये बन्नी से पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है बन्नी से। अच्छा, और फिलहाल कितनी भैंस दूध देती है? हाल तो 7 देती है। और कितना दूध होता है एक टाइम का? दूध 35-40 लीटर तो हो जाता है। कम क्यों होता है इतना कम? बच्चे हम उछेर ज़्यादा करते हैं। यानी कि कितना दूध पिलाते हैं बच्चियों को? दूध तो दो एक साइड बच्ची लगाते हैं, एक साइड हम दोते हैं बच्चों को। हाँ, 2 लीटर दूध निकालते हैं जी जी जी। देखो भाई, आपके पास बुल होगा ना, कोई गर्मी में आती है? बुल है, लेकिन बुल अभी फिलहाल एक फ्रेंड ले गया है। अच्छा, बुल अच्छा असल बन्नी नस्ल का है, भागिया नस्ल का बुल ओरिजिनल। अच्छा, और क्या रिकॉर्ड है इसका, इसकी माँ का? उसकी माँ का रिकॉर्ड नहीं है, उसका बाप का रिकॉर्ड अच्छा था जी, नहीं उसका भागिया नस्ल का बड़ा पाड़ा है, उसका बच्चे भी अच्छा पहला बेहतर में 5-6 लीटर दूध देते हैं। अच्छा, पहले बेहतर? हाँ जी जी। दूसरे 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 में तो जैसे आपकी चाकरी 10 लीटर तक दे जाते हैं जी। और ये आप जैसे कि मैं मेरे हिसाब से देखो तो मुझे सबसे अच्छी ये भैंस लगती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो मुंह है वो पुरानी नस्ल है, चमड़ी एकदम पतली है और उसकी जो कम्पैक्ट बॉडी चाहिए जो दूध के हिसाब से अपन देखें तो बढ़िया है। तो उसकी क्या कीमत हो सकती है? ये 2.5 लाख में इसको ग्राहक आए थे उसको ख़रीदने के लिए, 2.5 लाख तक इसकी मांग की थी लेकिन हमने नहीं दी है इसको। अच्छा, क्या रीज़न है इसका? इसका दूध अच्छा है। कितना है? 9 लीटर दूध है। अच्छा, और वो उसकी बनावट भी अच्छी है। अच्छा, उसका
उसका वेतर भी नौ हुआ है। अच्छा, नौ बार जनी हुई है। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तीसरी बार जनी हुई ऐसी लगती है। अच्छा, उसकी कट कंडीशन ऐसी है और बनी नस्ल की पुरानी भैंस है। अच्छा, ये पुरानी है। मित्रों मैं आपको एक बात ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी अपन पुरानी नस्ल देखे तो हमें पुरानी नस्ल बनी में ये उसका जो ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये बनावट है, बनावट वो खूबसूरत नहीं होता। खूबसूरत माप ले, ये जंगल में घूमने वाले हैं, बदसूरत दिखता है, बदसूरत दिखता है। और उसके जो कपाल का जो भाग होता है, जो अपन माथा बोलते हैं, पहाड़ कपाल जो भी बोलते हैं, उनके ऊपर बाल ज्यादा होते हैं, ज्यादा होता है। उसकी सींग अच्छी होती है जी। उसका ये गर्दन का भाग है लंबा होता है, थोड़ा लंबा और पतला। उसका पूठ पाछड़ का भाग बड़ा ज्यादा होता है, तगड़ा होता है। अच्छा, वो तगड़ा, ये मेन मित्रों ध्यान रखे, ये जितना ये तगड़ा होगा उतना दूध ज्यादा देगी, उसकी दूध कैपेसिटी अधिक होती है, उसके बच्चे अच्छे होते हैं। अच्छा, देखो भाई फिलहाल आप देखो तो ये दुबली पतली है, क्योंकि ये जंगल में चरती है, और हमारे यहाँ पर पशुपालन भाई को ये जंगल में चर कर आती है फ्री ग्रेजिंग करके, ठीक है। तो उसे कोई चारा बारा डालने की कोई अधिक आवश्यकता नहीं रहती। और हमने ये भाई को बोला था कि भाई हम आ रहे हैं तो थोड़ी हमें पशु भी दिखा देना, तो ये यहाँ पर ये थोड़ा ये रखने के लिए यहाँ पर चारा बारा डाल है, लेकिन ये जंगल में ही चरती है, जंगल में रहती है। और तो घर पर आती है तो थोड़ा बहुत ये फीड देता है, जैसे कि बना दाना है, कुछ बिनू नाखाना है, उस प्रकार देकर ये 8 से 9 लीटर दूध देती है। यानी कि दूध हमारे पशुपालन भाई को ये जो उससे पीछे जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा करने की, वो बहुत ही कम होती है। और देखो स्वभाव एकदम शांत होता है, देखो। तो आप भाई हमें हमारे पशुपालन भाई को क्या भैंस देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे पशुपालक मित्र हैं वो काफ़ी पशु रखते हैं अलग अलग नस्ल के, तो कोई ये बन्नी के बारे में सोचना चाहता है तो उसे आप क्या कहना चाहते हैं, कोई भी बन्नी से ये फार्म की शुरुआत करना चाहता है तो बन्नी वो किस प्रकार कहाँ से ले, और ये बन्नियों को क्या क्या वातावरण चाहिए, यानी कि क्या पूरी फैसिलिटी उसे देनी होगी। अभी तो जो फिलहाल पैसे वाले हैं जी, वो तो बन्नी में से भैंस खरीद के लाएंगे। अच्छा, लेकिन जो खेडूत है, पशुपालक है जी, उसको भैंस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा बुल ले ले। अच्छा, 10-12 भैंस हो तो अच्छा बुल ले ले बन्नी में से, अच्छी भैंस का नस्ल का देख के जी जी, और इसका संवर्धन कीजिए जी जी, तो अच्छे बच्चे हो गए। अच्छा, भैंस तो खरीदने की किसी की भी ताकत नहीं है, बड़े पैसे वाला खरीदते है। अच्छा, हमारी ताकत नहीं, हम यहाँ पे बुल ला के भैंस के 1-1.5 लाख का बुल लाए, भैंस आपको 1.5 लाख में मिलेगी, लेकिन एक ही मिलेगी। ये बुल आपको 10-15 भैंसों में छोड़ेंगे तो 10 फुट छोड़ेंगे तो 5 तो पाड़ी आएगी ना जी जी, वो तो बनी नस्ल के होगी। अच्छा अच्छा, इसलिए अभी फिलहाल लोगों विद्यान वो इंजेक्शन विद्यान कहते हैं उस पर उतर गए है, उसमें भैंस की क्वालिटी बिगड़ जाती है दूध के लिए। अच्छा, वो दूध भी कोई बनी नस्ल के जैसे ही भैंस देती है उतनी विद्यान वाली भैंस नहीं देती है जी जी जी। और सर ये कोई भी पशुपालक भाई ये बनी को रखना चाहता है तो ये फार्म कर बदनी ऐसे आवश्यक है या ऐसे खुले में, ये खुला यानी कि कोई अलग से बाड़ा बनाए और उसमें खुला छोड़ा बात दे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन खुला हो तो अच्छा बनी नस्ल में अच्छा रहता है दूध आपको। ये वो कोई भी भैंस कोई भी जानवर खुले में रहे तो दूध अच्छा ही देगा जी जी, खुले में उसको जैसा करना वैसा करेगा जी जी जी, यानी कि उसकी ये एक्सरसाइज भी होती है। और सब ये वैसे तो ये फ्री ग्रेजिंग के लिए बनी हुई है तो ये जितने आप खुले रखेंगे तो उसकी सभी तरह की जो सभी तरह की नहीं होगी वो उसके खूर अच्छे रहेगी, पैर में अच्छी रहेगी जी, उसका बॉडी टेक्सचर अच्छा रहेगा जी जी, सब अच्छा रहेगा, खुले में भैंस अच्छी रहती है जी। तो खूब खूब धन्यवाद अनिल भाई हमारे साथ जुड़कर, हमारे पशुपालन भाई को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।